दोस्तों रोज की तरह लिखिन ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोक्ष की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज का पंचांग, आज 31 मई 2024 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, आज 9:38 तक उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और सद्विशा नक्षत्र 6:14 तक, और तत्पश्चात दोस्तों भाद्र पक्षी 4:48 1 जून 2024 तक रहेगा। और आज दोस्तों अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:47 तक, और आज का राहुकाल 10:35 से 12:19 तक, और आज सूर्योदय दोस्तों 5:24 पर होगा और सूर्यास्त जो है 7:14। और आज दोस्तों राहुकाल के समय के बाद राहुकाल का समय जो है दोस्तों 10:35 से 12:19 तक है। इसके उपरांत किसी भी कार्य के शुभ कार्य पूरे दिन भर कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बड़ा शुभ कार्य माना गया है। और हर दिन की हर दृष्टि की शुभ कार्य, हर दृष्टि से जो है आज का दिन शुभ कार्य माना गया है। तो दोस्तों शुक्रवार का दिन आज है शुक्र ग्रह को, और भगवान माता लक्ष्मी और दुर्गा माता को समर्पित है। शुक्रवार की प्रकृति दोस्तों मृदु होती है, और यह एक ओर जहाँ माँ लक्ष्मी और दूसरी ओर काली माँ की पूजा का विधान है। और इसी दिन दोस्तों दैत्यों के जो गुरु थे शुक्राचार्य का दिन भी इसी दिन मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और काली की पूजा का विधान माना गया है। काली की पूजा का के और माँ लक्ष्मी की पूजा से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सकारात्मक भावों का संचार होता है। शुक्रवार को दोस्तों दान करने से अनेक प्रकार के शुभ भावों और विशेष महत्व माना गया है। शांति दया का दिन शुक्रवार माना गया है। शुक्रदेव की पूजा से जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है, और शुक्र प्रेम की देवी है, और इस दिन शांति प्रार्थना का खास महत्व हमारे जीवन में है। दोस्तों इसी अनुक्रम में शुक्रवार को जो है संध्या काल में माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान माना गया है, और कमल के फूल से पूजन किया जाता है। घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना चाहिए, और घर में जो है माँ माता को यानी गौ माता को रोटी खिलाने का प्रावधान है, और वह शुभ कार्य माना गया है। और इस दिन दोस्तों किसी प्रकार के कर्ज से मुक्ति के लिए धन वृद्धि की द्योतक यह दिन माना गया है। किसी प्रकार के कर्ज का लेन देन, धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। रसोई घर से संबंधित कोई भी चीज़ इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए, और साफ सुथरे और हर घर की स्वच्छता सुंदरता। हर बार दोस्तों मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से बताता हूँ कि घर की सफाई और सुंदरता, साफ कपड़े पहनना इस दिन का सबसे बड़ा
शुचिता के भाव माने जाते हैं। तो शुक्रवार का संबंध दोस्तों शुक्र ग्रह से है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी द्वारा और दुर्गा की पूजा, काली की पूजा का विधान माना गया है। पुष्य नक्षत्र का संयोग और विधिवत माँ का पूजा करने से यह दिन खास माना जाता है। इस दिन खास तौर से खट्टी चीज़ों का सेवन कम से कम नहीं करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। गलत या अनुचित रास्ते में जाने से बचना चाहिए और इस दिन पूजा पाठ और भक्ति भाव और समयानुसार दान पुण्य करने का विधान है। शुक्रवार देवी लक्ष्मी और संतोषी माता का भी पूजन किया जाता है। अनेक लोग जो हैं, काफ़ी महिलाएं जो हैं, संतोषी का व्रत करती हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नौ माह का तक संतोषी माता का व्रत किया जाता है। तो हमारे शास्त्रों की मर्यादा में दोस्तों हम लोग प्रमाण पत्र आस्था के अनेक हमारे स्रोत हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार का दिन शुक्रदेव और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। लक्ष्मी की पूजा से जीवन में सुख सुविधा प्राप्त होती है, आर्थिक तंगी हमारे जीवन में नहीं आती है। माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। धन देवी लक्ष्मी की पूजा से लक्ष्मी के शंख है, कौड़ी है, कमल है, मखाना है, बताशा है, आदि चीज़ें माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता में अर्पित करना चाहिए। इस दिन दोस्तों विधि विधान के साथ पूजा करने से जीवन हमारा सुखमय रहता है और आर्थिक कठिनाइयों का सामना हमको नहीं करना पड़ता है। तो सफ़ेद गुलाबी प्रिंटेड रंग के और फल, दूध, गुड़, चना और हलवे का सेवन करने से सकारात्मक ऊर्जा के भाव हमारे जीवन में संचरित होते हैं। इस प्रकार से शुक्रवार का दिन दोस्तों सभी जातकों के लिए बहुत ही अच्छा शुभ कार्य माना गया है। तो दोस्तों आज के प्रसंग में रावण ने अपने अहंकार का और अपने घमंड का जो प्रयोग और अपने बल का जो अभिमान दिखा करके अंगद जी के हरेक बातों का तर्क पूर्ण उत्तर देने का प्रयास किया। वहीं अंगद जी ने नीति और मर्यादा से संबंधित बातों से रावण को परास्त किया और अंगद ने रावण ने अपने प्रताप को शिव जी को साक्षी बनाते हुए शिव जी को साक्षी बनाया कि मेरे प्रताप को, मेरे बल को शिव जानते हैं और उन्होंने ही मुझे अनेक प्रकार इस प्रकार के वरदान दिए हैं और मैं इतना बलशाली हूँ कि अजीब मैं मेरे को कोई जीत नहीं सकता है, कोई भी मुझको नहीं जीत सकता है। तो सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा जब उसके चित्त में चढ़ी थी, बार बार वो अपने सिरों को निकाल करके काट करके फिर उसके जुड़ा जाता था, अग्नि में स्वाहा किया, भगवान शिव का उसको वरदान था, मायावी शक्ति उसके अंतर्गत में आ गई थी। तो अंगद इसी अनुक्रम में कहते हैं कि तूने उसे 20 बार, हजारों बार तुमने इस बार को बार बार दोहराया है, तो एक ही बार को बार बार अगर कोई व्यक्ति दोहराता है, अपनी प्रशंसा करता है, अपने मुँह तुम आप नहीं करनी, अपने मुँह से तुम अपनी बड़ाई अपने आप करते हो, तो भुजाओं और बल को तूने हृदय में छिपा रखा है और जिससे तूने सहस बार बलि और बाली को जीता था। तो रावण के तीन, एक रावण जो है वह सहस्पाव से सामना किया, दूसरा बलि से सामना किया, तीसरा रावण बाली ने अपनी कोख में 6 माह तक उसको रखा।
तो तब अंगद को क्रोध आता है और क्रोध से वह बहुत ही, जब रावण ने अनीति अमर्यादित और ज्ञान को अज्ञान का अज्ञान रूपी बातों अज्ञान से सनी हुई बातों को वह करने लगा, तब अंगद ने कल के प्रसंग में बोला था, दोस्तों सुनो मतिपंद देह पूरा काटे शीश की हुई फूला, यानी अरे मतिबुंद अरे मूर्ख, बस जो तुम अपनी बढ़ाई कर रहे हो, अपनी प्रशंसा कर रहे हो, अपने मुंह अपनी बढ़ाई कर रहे हो, सिर काटने से ही कोई सूर भी नहीं हो जाता है। इस संसार में ऐसे अनेक प्रकार इस प्रकार के मायावी शक्तियां हैं और इंद्रजाल रचने वाले को भी नहीं काटा, इसी प्रकार मेघनाथ को भी इंद्रजाल की विद्या प्राप्त थी और यद्यपि अपने हाथों अपना सारा शरीर तुम काट डालो लेकिन तुम सूर नहीं कहलाओ, वीर नहीं कहलाओ, क्योंकि सूर वीर वही कहलाते हैं दोस्तों जो कठिन से कठिन कार्यों को करने के बाद लोक कल्याण के लिए, जन मानस की उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए जो कार्य करते हैं, मानव मात्र के लिए जो कार्य करते हैं, वह सूरवीर कहलाते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो दोस्तों जरे ही पतंग मोह बसो भार ग्रह कर भ्रम ते नहीं सूर कहा वही समझ दे। बड़ा ही गंभीर वर्णन है दोस्तों, तुलसीदास जी ने यहाँ पर इस प्रकार का वर्णन किया है कि जरा ही पतंग मोह बसो भार उसे धर्म, यानी मति भ्रम और मति बुद्धि के कारण समझदार समझकर ऐसा इस प्रकार के मति भ्रम को समझ करके पतंगे मोह बस आग में जल जाते हैं। जब वर्षा काल में आग जली रहती है तो पतंगे जो है उसके शीत ऋतु में जो है पतंगे उसके चारों तरफ घूमते हैं, उसके मोह के कारण आग को देखते हैं। तो जो मूर्ख लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है, जिनका विवेक नहीं होता, विद्या नहीं होती है, वह समझ में उनके नहीं आता है कि क्या गलत है क्या सही है। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना नीति संगत है या किसी दूसरे के द्वारा प्रशंसा करना मर्यादित है। तो पतंगे जो है दोस्तों मोह बस जो है आग के पास जाते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार के मोह से वह संतप्त रहते हैं। तो उसी प्रकार गधों भार बरही खर ब्रह्म, और गधों के जो झुंड हैं बोझ, जब तक उन पर पूरा बोझ नहीं लादा जाता है तब तक वह आगे नहीं चलते हैं, क्योंकि यह उनकी उनके जीवन में उसके उनके चरित्र में ये चीज़ बढ़ी हुई है, ये उनके सृष्टि की रचना के अनुसार ये उनको परमात्मा का वरदान है, परमात्मा ने उनको इसीलिए पैदा किया है। तो ते नहीं सूर का हो, तो अगर वह पतंगा जो है आग में जल जाता है, अगर तुमने अपने सिर को आग में जला दिया, तुम पतंगे के समान हो। और समुझ देख मतिमंद, और इस कारण वे सूर भी नहीं कर, मति भ्रम के कारण, अज्ञान रूपी अंधकार के कारण, अज्ञान बस और पूरे सांसारिक माया मोह के वशीकरण होने के कारण, वह मोह माया के कारण जो है इस प्रकार की बातें करते हैं। ऐसे लोग इस संसार में सूरवीर कहने लायक नहीं।
अर्थात तुम कितना भी अपना आधिपत्य का वर्णन करो, तुम किसी भी प्रकार से शूरता के मानक नहीं। अब जने बत बड़ाओ खल करही, सुन मम वचन मान परे हरही। दस मुँह में न बत्तीस ये बसीठी आयू अस विचार हुई। यानी अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, अब बत बड़ाओ मत करो और मेरा वचन सुनो, अभिमान त्याग दे। तब अंगद जी ने उनसे कहा कि किसी प्रकार की बकबक करना, अपनी प्रशंसा अपने आप करना, अनेक प्रकार की अतिशयोक्ति करना, ये तुमको शोभा नहीं देता है। इसलिए ज्ञान से ध्यान लगा करके अब मेरे अपने अभिमान को छोड़ करके मेरी बातों को सुनो। दस मुख में बसीठी आयो, हे दस मुख में दूध की तरह, जहाँ पर कोई तुमसे मिलने नहीं, तुमसे मिलने इसलिए आया हूँ कि मैं तुमसे संधि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने तुमको अंतिम क्षण तक ये मौका दिया है कि तुमसे संधि करने का, तुमसे परामर्श करने का और युद्ध की विभीषिका तक न जाएं। तो आज की भी राजनीति इस प्रकार की है दोस्तों। मानव हित के लिए, मानव जीवन की रक्षा के लिए इस संसार में अनेकों देशों, अनेक प्रकार के जो देश हैं, एक देश दूसरे देश से संघर्ष नहीं करना चाहता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है जन और धन की हानि होती है, नुकसान होता है। और जो भी देश एक दूसरे देश पर लड़ाई करता है तो वह काफ़ी साल पीछे हो जाता है। तो अपने देश की, अपने राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की भावनाओं को छोड़ कर के जो मैं न्याय के लिए और समझौता करने के तुमसे दूत के रूप में तुम्हारे सामने आया हूँ, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मेरे तुम्हारे सामने भेजा है संधि करने के लिए भी। तो राजा लोग भी पहले दोस्तों अधिकार क्षेत्र के लिए, अपने अधिकार के लिए और अपने क्षेत्र को बचाने के लिए जब कोई बीच में बाधा आ जाती थी तो एक दूसरे से संधि करते थे। वही प्रक्रिया आज की राजनीति में भी है दोस्तों, एक राष्ट्र से, एक देश से, एक से दूसरे शहर में। तो ऐसे उन्होंने उसको समझाया, मन महू समुझ वचन प्रभु के रे, रहूं कठोर वचन छड़ के रे। वचनों को मन में समझकर, अपने हृदय में इस प्रकार के वचन को समझकर, सोचकर, बुझाकर, मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। जिस प्रकार से तुमने कठोर से कठोर वचन कहे हैं उसको मैंने अपने अंतर्गत में रखा, नहीं तो मैं तुम्हारे किसी बात के लिए, सहने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। ना ही न करी मुख बंधन तोरा, ले दात में शीतल बदले। तो अंगद को बहुत डर आता है जब रावण बार बार अज्ञान रूपी अंधकार से रावण का पूरा मन वचन और वाणी से उसके अंतःकरण में जो राक्षसी माया का समावेश हो गया था। तो तब वह अंगद उसको सलाह देता है और उसको सचेत करता है, उसको संकेत करता है, उसको तो ना ही तर न करे मुख भंजन तोरा, अगर ऐसा नहीं होता मैं संधि के लिए यहाँ नहीं आया होता और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मेरे को मर्यादा के अनुसार यहाँ नहीं भेजे होते, तो मैं अभी तक तुम्हारा जो है सब तोड़ ताड़ के तुम्हारा यहाँ से चला जाता और ज़बरदस्ती जो है सीता जी को मैं अपने साथ ले जान हूँ तो बल अधम सो अनुरागी। और मैं ये भी जानता हूँ देवताओं के शत्रु तेरा बल, तो मैंने तभी जान लिया था जब सोने में पराई स्त्री को तू चोर करके लाया, हर करके लाया। ये अज्ञान रूपी अंधकार तुम्हारे अंतःकरण में है, तुम्हारी नीति, तुम इतने दुष्ट हो, तुम्हारी दुष्टता का वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम्हारी ये दुष्टता है, पराई स्त्री को जो तुम घर के लाए हो, ये तुमने अपने आप को हमेशा के लिए मान किया है। तो तय निशी चरपति गर्भ होता,
मैं रघुपति सेवा कर लूँगा। और जो न राम अपना नहीं रहूँ कोई देख रहा उसको। तो अंगद जी ने जो है बड़ी दृढ़ता से, वीरता से और अपने अंदर पूरा संयम रखते हुए धैर्य और धैर्य के भावों का अपने अंतःकरण में चिंतन करते हुए अडिग होकर के जिस प्रकार के भावों को उसने उन्होंने व्यक्त किया कि तय निश्चितपति गर्भ बहु का तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है ये सब लोग जानते हैं, मैं रघुपति सेवा कर दूँ। जहाँ तुम एक और निश्चितपति तुमको निश्चित राक्षसों का राजा होने का गर्व है, वहीं दूसरी तरह मुझे रघुपति का सेवक होने का, परमात्मा का दास होने का बहुत बड़ा मान सम्मान रखने का मेरी मर्यादा है। जो न राम अवमान ही डर, यदि मर्यादा वस्तु भगवान राम जी का अगर अपमान नहीं होता, मर्यादा के अनुकूल चलने के लिए जो उन्होंने हमको भाव रघुकुल की सदा चली आई प्राण जाए पर वचन जाए, रघुकुल की यही परंपरा है कि किसी भी कारण से कितना भी हानि हो जाए कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन अमर्यादित काम किसी को भी नहीं करना, इसलिए राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भरे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार के भावों से, आदर्श से, मर्यादा से, नीति से मानव जीवन को सचेत करने का कार्य कर, अगर उन्होंने ये ज्ञान मुझे नहीं दिया होता, ऐसी उनकी मर्यादा नहीं होती तो ही देखत अस्पत को रहूँ। और मैं देखते देखते ऐसा तमाशा यहाँ पर कर जाता कि तुम भी जीवन भर इसको याद करते। लेकिन मर्यादा की रक्षा करने के लिए, नीति की रक्षा करने के लिए मुझे जो है परमात्मा के अनुसार कार्य करना है, अपने प्रभु के अनुसार कार्य करना है। तो ही पटे की मही सेन हती चौपट करी चौभाग, कल के प्रसंग में था दोस्तों, तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार और तेरे गांव का मैं चौपट करके जो वहाँ पर रहते हो उसका मैं पूरा उसको नष्ट भ्रष्ट करके तेरी वीति जो यहाँ पर तुम्हारी स्त्रियाँ हैं उनको भी अपने साथ ले जा करके जानकी जी को ले जाऊँ, ये मेरे मन में अंतर से विषय भाव आते हैं, अपने क्रोध का वर्णन करते हैं लेकिन अंदर अंदर ही वह उसको सहन करने की शक्ति भी परमात्मा की है। तो बिना ही नमान जड़ जड़ो गए तीन दिन भी बोले राम सकू तबाव भई। तो विनय करना मानव जीवन का कर्तव्य है, अगर विनय करने के बाद, संधि करने के बाद, अनेक प्रकार के साधन करने के बाद, अनेक प्रकार की मंत्रणा करने के बाद भी अगर कोई अज्ञानवश कोई कार्य नहीं मानते हैं तो फिर वहाँ पर भय दिखाने की आवश्यकता, रघुकुल की रीति में इस प्रकार के भाव हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है, अगर कोई अच्छी प्रकार कोई बात नहीं मानता है तो उसको भी भय दिखाने की जरूरत पड़ती है, ये रघुकुल की रीति है। तो दोस्तों कल के प्रसंग में इस प्रकार की बातों से अंगद ने रावण को सचेत किया और सचेत करके रावण के अंतःकरण में ये बात आई तो क्रोध पर नियंत्रण किया, अंगद जी ने क्रोध पर नियंत्रण किया। तो क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना, अगर हम विचार से करें तो क्रोध हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। तो महावीर स्वामी ने भी दोस्तों पृथ्वी पर सबसे भयंकर अगर किसी को बताया, भयंकर विष बताया तो वह क्रोध है। तो क्रोध एक प्रकार का मानसिक विकार है, मानसिक हिंसा है। हमारे मनुष्यों ने क्रोध की तुलना अग्नि से की है और क्रोध की को पाले रखना गर्म कोयले की के समान है, जिसमें धारक स्वयं भी जलता है और क्रोध की अग्नि दिखाई नहीं।
यही रावण के अंतःकरण में विराजमान था। परंतु इसकी ज्वाला हमारे जो हमारा संबंध होता है, सद्बुद्धि होती है, संवेदनाएँ होती हैं और मर्यादा को जलाकर खा कर देती है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अंगद जी को पूर्ण रूप से समझा बुझा करके भेजा था कि किसी प्रकार के भी अनियंत्रित क्रोध करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, जितना काम दिया जाता है उतना ही मानव को करना चाहिए। जिसके शांत होने से अगर क्रोध शांत हो जाता है तो बाद में पता चलता है कि उससे कितनी क्षति पहुँची। तो दोस्तों, एक क्रोध जो है, अगर एक बार आदमी क्रोध करता है उसका क्या परिणाम होता है, वह कहाँ तक हमारे जीवन के लिए घातक होता है, इस चीज़ का हमको अपने अंतर्गत में भाव रखना चाहिए। यही मर्यादित चीज़ है, यही आदर्शता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने, तुलसीदास ने रामचंद्र के माध्यम से इस प्रकार की बातों को लोक कल्याण के लिए जिस प्रकार के भावों को आच्छादित किया, वो आज भी रामचरितमानस में विद्यमान है। दोस्तों, क्रोधित होना बहुत सरल प्रक्रिया है। हमको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, हम क्रोध से किसी पर अपना नियंत्रण भी साबित कर सकते हैं, परंतु उचित व्यक्ति की उचित सीमा तक उचित तरीके से क्रोध व्यक्त करना सरल नहीं है। क्रोध की क्या सीमा है और कहाँ तक उसकी रेखाएं हैं, कहाँ तक उसकी मर्यादा है, उसको हम सोचने की ज़रूरत है। ऐसे में बेहतर तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए क्रोध प्रबंधन से उस पर नियंत्रण परम आवश्यक है। तो अंगद जी ने अपने क्रोध को जिस प्रकार से नियंत्रित किया, रावण ने जिस प्रकार से अनेक प्रकार की बातों से उनको लज्जित किया, लेकिन किसी भी बात का तर्क का उत्तर देना, अंगद जी ने एक बात का उन पर तर्क दिया। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंगद को इसीलिए उनको वहाँ भेजना उचित समझा। और व्यक्ति को क्रोध आने का, क्रोध के कारणों का पता अगर लग जाता है तो क्रोध पर नियंत्रण करने और प्रकृति को आत्मसात करना होता है। दोस्तों, प्रायः क्रोध से बचने पर ही आत्मिक विकास संभव है। जब हम क्रोध से बचे रहेंगे तभी हमारा आत्मिक विकास होगा। रावण का सब कुछ होते हुए भी आत्मा का विकास नहीं होता है, क्योंकि क्रोध पर नियंत्रण नहीं था। तो क्रोध को बुरा जानकर जो व्यक्ति क्रोध को कम करने की साधना करते हैं, वे जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। तो अंगद को इतना ज़्यादा क्रोध आ रहा था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जिस प्रकार से उनको समझाया था वही बातें उनके अंतःकरण में आती है, इसीलिए उन्होंने क्रोध को नियंत्रित करके रखा। इसीलिए क्रोध को आज ही अविलंब, जैसे इंसान के जीवन में ऐसी भावना आती है उसको तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। तो उसे नियंत्रित करने का सबसे उत्तम साधन है दोस्तों, उपाय है चुप रहना, मौन रखना। मैंने एक अपने ब्लॉग के माध्यम से मौन की महत्ता के बारे में अपना ब्लॉग लिखा है। दोस्तों, मौन हमारे अंतःकरण की को और हमारी इंद्रियों को शांति करने का सबसे बड़ा स्रोत है। और शांति का अगर कोई स्रोत है हमारे जीवन में तो वह मौन ही है। तो दोस्तों, यदि स्वभाव में क्रोध की प्रकृति बढ़ती जा रही हो तो योग रूपी शीतल जल से शांति किया जा सकता है। तो ध्यान करने से मन शांत होता है और गुस्से में नियंत्रण होता है, और कठिन से कठिन कार्य जो है साध्य हो जाते हैं और हमारा जीवन सरल हो जाता है।
तो और जो हमारे अंतःकरण में जो गुस्सा पैदा होता है वह नियंत्रित स्वतः ही हो जाता है। तो अंत में दोस्तों रामचरितमानस के आधार पर और अंगद और रामचंद्र के चरित्र से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि सभी व्यक्ति विशेषकर जो युवाएँ हैं उस उम्र में जो है युवा अवस्था में क्रोध की ज्वाला ज़्यादा धड़कती है, खून गर्म रहता है और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने हुए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। वही क्रोध अगर हम कोई अच्छा कार्य करेंगे तो वहाँ हमारा कार्य करेगा स्वयं, इससे हमारे स्वयं का अगर रावण क्रोध पर नियंत्रण रह सकता, संयमित जीवन यापन करता तो इतना बड़ा रामचरितमानस लिखने नहीं देता और रावण को हमेशा अग्नि में प्रज्वलित नहीं किया जाता। तो परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए अमूल्य योगदान देने के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखना और नियमित रूप से कार्यों की योजना को परिमार्जित करना, ये मानव जीवन का सबसे बड़ा गुण है। ये हमको रामचरितमानस के आदर्शों से प्राप्त होता है। आज के प्रसंग में दोस्तों जो अस करूँ तदभि न बढ़ाई, सुयश बधे नहीं कुसुम अनुसाई, कौल काम बस कुपिन बिरूँ विमूढ़ा अति दरिद अजसी अति। यानी यदि ऐसा करूँ तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं। अंगद कहते हैं मरे हुए को मारने में कुछ भी कोई बहादुरी नहीं, तो कोई मरा हुआ है उसमें दो लात और मार दो तो वो कोई बहादुरी का मानक नहीं। और कोल काल बस कुबिन विमुड़ा, काम मार्गी जो होता है, कामी जो होता है, कंजूस जो होता है, कुपिन कृपिन और विमुड़ा अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, अति दरिद्र बदनाम और बहुत बूढ़ा। इस प्रकार के जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं सदा रोग बर संतन को और नित्य का रोगी जो रोज़ कुछ न कुछ बीमारी से ग्रस्त रहता है और संतन क्रोधी निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला हमेशा जिसके अंतःकरण में क्रोध समाया रहता है विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, भगवान विष्णु के विमुख वेद और संतों के विरोधी अपना ही शरीर पोषण करने वाला तन पोषक निंदक अग्रहानी, निंदा करने वाला और जीवन सब समचौध पानी और पाप की खान महान पापी, चौदह प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। इस प्रकार के जो प्राणी हैं वह जो है जीते जी यानी मरे हुए इंसान के समान है। अस विचार खल बदौ न तो ही अब जन जाव ही मोह, अरे दुष्ट ऐसा विचार कर तुझे नहीं मारता और अब जन ऋषि उपजाव ही मोही, अब तुम मुझसे क्रोध न पैदा कर, मेरे अंतःकरण की ज्वाला को मत जला, मुझे सुरक्षा न दिला, सुनि सको उपकार निश्चल न था। अंगद के इस प्रकार के वचन सुनकर जब अंगद ने इस प्रकार के क्रोधित वचन कह करके मर्यादा और नीति की आदर्शों की बातों को रावण से कहा, राक्षस रावण दांतों के होंठ काट कर और क्रोधित होकर हाथ चलाता हुआ बोला, अब वह अपने बल का प्रयोग दिखाता है, रे कभी अधम मरण अपराय, कहता है अरे बीज बंदर नीच, रे कभी अधम मरण बचाए, अरे नीच बंदर अब तू मरना ही चाहता है, कहीं तेरी मौत अब निकट है, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद है अंगत को कोई कुछ नहीं कर सकता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ईश्वर का प्रसाद ईश्वर का योगदान उसके लिए है, छोटे बदन बाल बड़े कर से, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात बात कहता है और कटु कल पर ही जड़ कभी बल जाते, और ये मूर्ख बंदा तू जिसके बल पर कड़वे वचन बोल रहा है कह रहा है उसके बल प्रताप और बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं।
अपने आप तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो, उसमें न बल है न तेज है न शौर्य है न बुद्धि है न विवेक है न ज्ञान है, केवल अनिति और अत्याचार घमंड और अहंकार से भरा हो। अगुण अमान जानते ही दीन पिता वनवास। और फिर रावण उत्तर देते हुए कहता है, फिर भी नहीं छोड़ता है, फिर भी इतना डराने पर भी रावण, क्योंकि अंगद जो है उसके राज्य में है, लेकिन अंगद को अंगद धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने रावण के भरी सभा में जाकर के इस प्रकार से रावण का घमंड सूट किया। तो अगुण अमान जान दही पिता वनवास, अगुण अमान जान दही। अब तब रामचंद्र के बारे में कहते हैं, कहता है कि गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने उसको वनवास दिया है। मतलब हर बात का जो है, जब अज्ञान रूपी अंधकार मानव जीवन के अंदर, ज्ञान सब जानता है सब मालूम है, लेकिन अनिति करना चाहता है, बैर भावना पैदा करना चाहता है, क्रोध को और बढ़ाना चाहता है, अग्नि की ज्वाला में घी डाल करके और तेज करना चाहता है, तब कहता है कि पिताजी ने उनको इसलिए वनवास दिया था कि वह जो है गुणहीन और मानहीन थे। सो दुखे और युवती विरह पुण्य से दिन मास, दुख उस पर युवती स्त्री का जो सीता जी को हर के वह ले गया था, उसकी बार बार याद दिला रहा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, निष्ठा का काम उसने किया, पराई स्त्री को हमारे शास्त्रों में, हमारे मर्यादा में, हमारे नीति में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पराई स्त्री को तुम हर के ले जाओ। रावण ने राक्षसों से भी, राक्षसी माया का जो कार्य किया वो अमर्यादित है, नीति के विरुद्ध है। और इसी प्रकार वह कहता है कि वह अपनी जो स्त्री है जिसको मैं हर के लाया हूँ उसके दुख में दुखी हैं, पुण्य निश्चित मन त्रास, और फिर रात दिन मेरा डर उसको बना रहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम बलराम से कहता है कि उनका डर बना रहता है, अंगद के क्रोध को और बढ़ाना होता है, जिनके बल पर गर्व तो ऐसे मनु अनेक। यानी रावण ने अज्ञान रूपी अंधकार और राक्षसी माया में अभिशप्त हो जाने के कारण, जब अज्ञान अंतःकरण में बस जाता है तो वह कभी भी किसी भी कार्य को के साथ समझौता नहीं करता है, अनिति और अत्याचार की बातें करके तर्क संगत और तर्क विहीन बातें करता है। तो जिनके बल पर गर्व तो ही, जिनके बल पर तुमको इतना घमंड है, तुम इतनी बातें कह रहे हो, इतना बोल रहे हो, तो ऐसे मनुष्य अनेक, इस प्रकार के मानव इस संसार में हजारों, कितनी शक्तियाँ इस प्रकार की हैं, बोलता है, खाए निशाचर दिवस निशी मूल सुन करके। यानी उनका चरित्र किस प्रकार से है, वह इस प्रकार के हैं कि जिनके बल का तुझे इस प्रकार का घमंड है, ऐसे अनोखी अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस का रात दिन, राक्षस जो है रात दिन खाया करते हैं। ये हमारी मर्यादा है, ये हमारे रोज़ का नियम है, रोज़ की दिनचर्या हमारी ये है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उन्हीं से वह ये भी बोलता है, जीत छोड़कर समझ कर विचार कर अपने मन को समझा, ऐसा अंग से उल्टा जवाब देता है, जब ते ही कि राम के निंदा क्रोधवंत भयो कबिंदा। तब जब उसने श्री राम जी की निंदा की, अनेक प्रकार से उनकी बुराइयां की, उनसे उनके बैर को और बढ़ाने का प्रयास किया, क्रोधवंत अति भयो कबिंदा, तब तो कभी श्रेष्ठ अंग अत्यंत ही क्रोधित हो गई, आग बबूला हो गई। और क्योंकि हरि हर निंदा सुनई जो कान, परमात्मा का के बारे में कोई भी मानव अगर इस संसार में, शास्त्र ऐसा कहते हैं, हमारी मर्यादा हमारी नीति ऐसा कहती हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है, सबसे बड़ा पाप का भाग है।
परमात्मा की निंदा करना। आज की राजनीति में भी दोस्तों अनेक प्रकार के लोग जो अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, उनको जो है इस प्रकार के भावों को कहते हैं, जो है जीवन पर्यंत जो है पछताते हैं और कट कटान कभी कुंजर भारी दूबंजर दमकिर मारी डोलत धरनी सभासद खसे चले भाज भय माधव। यानी बानर से अंगर बहुत जोर से उनको क्रोध आया और क्रोध आके उन्होंने शब्द किया, अनेक प्रकार से आवाज़ की और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। तब उन्होंने दू भुजदंड दमक भी मारी दो लत धरी सभासद खसी और पृथ्वी हिलने लगी। जब उन्होंने अपने शौर्य का प्रभाव दिखाया तो रावण ने जब उनको बहुत ही गुस्सा आग को बुला कर दिया तो धरती हिलने लगी और जिससे वो बैठे हुए सभासद यानी गिर पड़े, चारों लोग जो बैठे थे सब गिर पड़े और भय रूपी हवा से ग्रस्त होकर भाग चले। डोलत धरई सभासद खसे चले भाज भय माधव। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी द्वारा प्रदत्त जो शक्ति अंगद की वो दी थी, उसी शक्ति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, बहुत ही प्रासंगिक वर्णन किया है। गिरद संभार उठा दस गंधर भूतल बदे मुकुट बदे सुंदर। रावण गिरते गिरते सफल कर उठा, उसने कहा ये क्या हो गया, पूरी धरती हिलने लगी। भूतल बदे मुकुट बदे सुंदर और उसके अत्यंत जो सुंदर मुकुट पहना हुआ था वो चारों तरफ गिरने लगे। कछु ते ही ले निज शरीर संवारे और वो उठाकर उनको सिरों पर सुधार करके बार बार लगा रहा है, संवार रहा है। कछु अंगद भूपार पवारे और कुछ अंगद के अपने अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए, ऐसे हवा में उड़ाया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सिरों पर। तो परमात्मा की इस प्रकार की कृपा हुई। रावण जब अनिति पर रहा था, जब भगवान के प्रति उसने इस प्रकार की अमर्यादित बातें की, एक तो उसने गुनाह किया था, पराई स्त्री को घर के ले गया था, दूसरा उसी में जो है व्यंग का व्यंग पर व्यंग कसता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपना स्वरूप उस अंगद के को माध्यम बना करके उसको डराया। आवत मुकुट देख विभागे नहीं लोग परम विभागे। तो मुकुटों को आते हुए देखकर बानर जो है वो सब भागने लगे और जिन्हें लोग परण विधि लागे और सोचने लगे विधाता क्या दिन में उल्कापात होने लगा है, कोई अनर्थ होने वाला है या तारे टूट कर गिरने वाले हैं। इस प्रकार का जो धरती का वातावरण था पूरा प्रकृति जो है डोलने लगी और आभा बदल गई कि रावण करी कोप चलाई, अथवा क्या रावण ने कोई क्रोध करके कोई चार वज्र कोई इस प्रकार की चाल करके वज्र तो नहीं चलाए हैं। पुलिस चाल आवत जाए जो बड़े धाये यानी बड़े वेग से बड़ी तीव्र गति से आ रहे, ऐसे प्रकृति के वातावरण को देख करके मुकुटों को देख करके कह प्रभु हसी जनि हृदय डरा हु। तो प्रभु ने उनसे हंस कर कहा, जब वो मुकुट वहाँ पर पहुँचे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे, उनको सब मालूम था। तो रावण को एक झटका देना था, इसका मन जो अभी विवेकहीन ये हो गया है, इस विवेक को इसको थोड़ा डराना पड़ेगा, भय दिखाना पड़ेगा। और कह प्रभु हसी जनी हृदय डराओ, कहा कि मन से डरो नहीं, ये न उल्का है लू न अश्नि गीत व राहू। तब वह अंगद से कहते हैं कि इसमें डरने की कोई बात है, बानरों से कहते हैं डरने की बात नहीं है, न ये वज्र है न ये केतु या राहु ही है, कोई भी अमंगलकारी ग्रह ये नहीं है। और एक रीत दश खंदर के रीत, अरे भाई ये तो रावण के मुकुट हैं जो
जो अंगद ने जो है अपने शौर्य को दिखा करके बालीपुत्र अंगद ने फेंके हुए इधर से उधर आ रहे हैं। रामजन के चारों ओर बंदर बैठे हुए थे, बानर बैठे हुए थे, सब बानरों का समूह उन मुकुटों को देखते करके रावण ने कोई भय तो नहीं कर दिया, सब मर्यादा उत्सव भगवान हम को समझाते हैं। तो तरह की पवन शुद्ध कर गही आन धरी प्रभु पास, तरह की पवन शुद्ध कर गही आन धरी प्रभु पास, कौतुक देखें भाल कवि दिनकर सही प्रकाश। यानी पवन सुत जो हनुमान जी ने उछल कर उनको हाथ से पकड़ लिया, हनुमान जी बलशाली थे, शक्ति के प्रतीक थे, मर्यादा वसूल भगवान अम्बिका आशीर्वाद था, तो लाकर प्रभु के पास रख दिया उनको। जो भी मुकुट इधर से उधर उड़े थे और धरो और कौतुक देखें भाल कवि दिनकर सही प्रकाश, तब जो रीझ हैं बानर हैं तमाशा देखने लगे इस प्रकार का कि ये क्या माया हो रही है। तो उनका प्रकाश सूर्य के समान था और उनमें इतना प्रकाश था कि वह सूर्य के समान चमक रहा था। इस प्रकार की जब रावण ने अपशब्द और शब्दहीन बात किए, मर्यादा के खिलाफ बात किए, रामजन के खिलाफ बात किए, तब अंगद जी को क्रोध आया। उसी क्रोध के परिणाम स्वरूप अंगद जी ने अपना जब पैर धरती पर मारा तो पूरी धरती डोलने लग गई, रावण के मुकुट जो है इधर उधर उड़ने लगे। वहाँ सको विधसाधना सब सन कह दिशा, वहाँ सभा में क्रोधित तो रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा रावण की दुर्दशा हो रही है, अंगद जी ने उनकी दुर्दशा की है। हाँ सको भी और क्रोध से प्रज्वलित होकर रावण जो है सब सन कह दिशाए और कहने लगा कि बंदर को पकड़ो और धरो कभी धरी मार हूँ। सुनी अंगद मुस्काए, पकड़ कर मार डालो अंगद का या सुनकर, तब अंगद जो है ऐसा सुनकर के मुस्कान लगे। किसी प्रकार का भय उनको नहीं था, किसी प्रकार का डर नहीं था। तो रामचंद्र जी का आशीर्वाद, परमात्मा का जब आशीर्वाद होता है तो सभी कार्य जो है सफल होते हैं और किसी प्रकार के भय से हम दूर होते हैं। तो भयहीन होकर के अंगद ने अपने अस्तित्व को जिस प्रकार से दिखाया, तो जन्म हमार सुफल भाजु, तो इस प्रकार से सब लोगों ने ऐसा एहसास किया। तो आज हमारा जन्म सफल हुआ, हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसी के परिणाम स्वरूप सभा में क्रोधयुक्त जो रावण था सबसे क्रोधित होकर भय उसको हो गया था और कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो, यानी अंगद से और डर गया और पकड़ कर मार डाला। तो अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगा कि एक ही झटके में जब रावण को जब झटका लग गया तब वह जो है भय के मारे त्रस्त हो गया। आज के प्रसंग में दोस्तों जिस प्रकार हनुमान जी ने अपनी शक्ति के प्रभाव से हनुमान पूरी लंका को सहा गया था, उसी प्रकार अंगद जी को परमात्मा ने इस प्रकार के भावों की रचना की कि दूतों के शौर्य को रावण को पहले दिखाओ और अगर वह इसी शौर्य से अगर सन्धि कर लेता है, समझौता कर लेता है, अपनी बुराइयों पर पश्चाताप करता है और सीता को दे देता है तो सन्धि करके हमको कोई नुकसान नहीं है मानव जीवन की रक्षा के लिए, और यही कार्य सबसे न्यायसंगत है और मर्यादा के अनुकूल है। लेकिन रावण जो है उसकी मति में, उसकी बुद्धि में अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा ढका हुआ है, उससे उसका ज्ञान अस्त हो गया है। तो इस प्रकार जब अंगद ने इस प्रकार का भाव दिखाए
यह सब राम मर्यादा भूषण राम जी का प्रभाव था। उसी से रावण को एक झटका लगा। और आज के प्रसंग में बस इतना दोस्तों। इसी प्रकार रामचरितमानस का स्मरण करते रहें। आगे का प्रसंग कल। सब लोग सुखी रहें और